हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास टेंथ विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं दोस्तों, चैप्टर वन से, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र में आने वाले हैं। दोस्तों आपको मैं केवल 10 प्रश्न बताने वाला हूं, यही 10 प्रश्न इस पार्ट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 10 प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपको फिर कोई दूसरे प्रश्न पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस 10 प्रश्नों से आपके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, सब के सब कवर हो जाएंगे। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके बाद भी आपको फाइनल क्वेश्चन जारी कर दूंगा दोस्तों, जिसमें से आपको कितने केवल टोटल लास्ट प्रश्न कितने पढ़ने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आप 10 क्वेश्चन पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आपको सबको क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं, संतुलित करने का रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं संतुलित समीकरण का एक उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न है, अपघटन या वियोजन से क्या समझते हैं। दोस्तों अपघटन क्या होता है, वियोजन से आप क्या समझते हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, तो इसको समझाना उदाहरण के साथ में। रेडॉक्स अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ में समझाइए। जुगनू रात्रि में क्यों चमकते हैं, ये एक आपके लिए 3 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, कि जुगनू रात्रि में क्यों चमकते हैं, क्योंकि आपके जो साइंस में 10वीं में 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न आने हैं दोस्तों, इसलिए ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसे आपको अगर दोनों को मिला के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। इसलिए हर प्रश्न को आपको बारीकी से सबके सबके आपको उदाहरण भी याद कर लेने हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ टिप्पणियों की। तो देख सकते हैं संक्षारण और विकृत गंधता में आपको टिप्पणी याद कर लेनी है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप इस क्वेश्चनों का अगर आपको आंसर नहीं मिल पाता तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से, तो आप बकायदा वहां से भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप स्टडी मटेरियल में सारे क्वेश्चनों को ढूंढ लीजिएगा, वहां से आप बड़ी आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है। दोस्तों उदाहरण दीजिए। दोस्तों ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है दोस्तों, या किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ में समझाइए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। दोस्तों 4 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे आप 100% तैयार कर लेंगे। वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन साफ क्यों किया जाता है। दोस्तों जो वायु है, वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 3 नंबर के लिए। अपचयन और उपचयन, दोस्तों उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को समझाइए, ये आपके 4 नंबर के लिए बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन 10 क्वेश्चन को आप बिल्कुल तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से आपके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के जो यहाँ पर प्रश्न है दोस्तों, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के 5 के मैंने यहाँ पर वीडियो कंप्लीट कर लिए, बस आपको अपलोड करना बाकी रह गया दोस्तों, तो आपको टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आज शाम तक सारे वीडियो आपको अपलोड करके प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, डाउटनेट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, तो आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। देखिए मैं ऑब्जेक्टिव भी लाया हूं यहाँ पर, 3 ऑब्जेक्टिव जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस पार्ट से। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों जो लोहे पर जंग लगती है वो संक्षारण की अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। दोस्तों तो रासायनिक समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन युक्त होती है। जब क्या होता है दोस्तों, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो उपचयन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कौन सी कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस तरह से हमारा जो आज का था 10वीं का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पहला चैप्टर दोस्तों समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट हम मतलब पार्ट 2 के बारे में बताएंगे दोस्तों, जिसमें हम अम्ल क्षारक एवं लवण का वीडियो लेके आ रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।